हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों के बारे में। आज बहुत स्पेशल दिन है हम सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि आज है दिवाली का दिन। बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को दिवाली की। सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है दिवाली। तो दिन की शुरुआत इन फूल और पौधों के साथ करने से मन बहुत खुश रहता है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आज का दिन भी मैं शुरुआत दिवाली की इसी पेड़ पौधों के साथ करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ आपको खूबसूरत से खिले हुए मेरे बगीचे में जो फूल खिले हुए हैं उनको। आपको भी अच्छा लगेगा और उसके बाद हम बाकी की तैयारियाँ करेंगे कि कैसे हमने आज दिवाली का पूरा दिन बिताया। आप लोगों के साथ सब शेयर करने वाले हैं। दिवाली वाले दिन हम सबसे पहले करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का पूजन, आशीर्वाद लेते हैं कि हमारी दिवाली बहुत ही अच्छी जाए, उनका वरद हस्त हमारे सर पर हमेशा बने रहे, उनकी दुआएं हमेशा हमें मिलती रहें। तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले हम पूजन करते हैं प्रसाद और दियों के साथ अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का। यहाँ मैं और मेरी सास कर रहे हैं उनका पूजन, दिया जलाकर और आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देखिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं। मैंने अपनी मम्मी जी के साथ पूजन कर लिया है। यहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा रहा है। मैंने अपने बेटे को भी बोला है कि आकर आशीर्वाद ले लें। दिवाली के दिन जैसे अपने बड़े बुजुर्गों पर जोत जलाई जाती है, इसी तरह से हम अपने घर में ही ये काम करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ मैं अपना अच्छे से पूजन कर चुकी हूँ और जो पूजा का जल है वो मैं सूर्य देवता को दे रही हूँ। और मैं तो यही आशीष मांगूंगी कि जिस तरह से सूर्य देवता अपनी किरणों से पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, कि हम सबके जीवन में भी खुशियाँ भर दें। हमारे यहाँ इस पूजन के बाद हवन करने का रिवाज है। दिवाली वाले दिन अमावस्या होती है तो हमारे यहाँ हवन होता है। सुबह 10 बज चुके हैं और हमारे यहाँ हवन शुरू हो चुका है। ओम गुरु वैश्य अनु आत्म आयुष सरोष आत्मु जगन से चयन आर्य पाद सुना प्रमाण से दंड नम ओम गुरु वैश्य अंबेजी प्रमाण आयुजन पुरोहित मणि कवि मणि मार्ग स्वर विलंबित प्रमाण से दंड नम ओम गुरु वैश्य पत्नी पवित्र अस्मे बच्चे सुनी दधीरी में पोषे स्वजन में प्रमाण से दंड नम ओम गुरु वैश्य प्रजापत मैं लगभग हर साल दिवाली पर इसी तरह के मिट्टी के सादे दिए लेकर घर आती हूँ और उन्हें घर पे अच्छे से पेंट करके डेकोरेट कर लेती हूँ। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें चीज़ें ऐसी जगह से खरीदनी चाहिए कि हमारी वजह से भी कोई दिवाली मना सके। कुम्हार हमेशा इंतज़ार करता है दिवाली का, तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए खरीद कर उनसे ही अपना घर डेकोरेट करना चाहिए।
लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप दियों पर पेंट ही करें। बाजार में आपको पेंट किए हुए दिए मिल सकते हैं जिसे आप परचेज़ कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं हमेशा सादे दिए ही खरीदती हूँ। रंगोली बनाना सभी को पसंद है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। इसीलिए दिवाली वाले दिन मैं सुबह से ही तैयारी करती हूँ और मुझे 1-1.5 घंटा लगता है रंगोली तैयार करने में। आप इस बार की मेरी रंगोली देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने इसको एक तोते की शक्ल देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा। रंगोली के ये सुंदर से कलर हमारे जीवन को भी रंगों से भर देते हैं। मेरी ये शुभकामना है आप लोगों के लिए कि जैसे ये रंगोली में कलर सजे हुए हैं, रंग सजे हुए हैं, वैसे ही आप लोगों का जीवन भी खुशियों और रंगों से भरा रहे। और इस तरह से मैंने अपनी रंगोली शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं किचन में आ गई हूँ तैयारी करने के लिए, ताकि रात का मेरा खाना डिनर टाइम से बन सके और मैं बाकी पूजा के अरेंजमेंट्स भी देख सकूँ। मैं यहाँ बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी और दूसरी गैस पे मैंने बनाने के लिए रख दिया है हलवा। मटर पनीर की सब्जी ये देखिए लगभग तैयार ही होने वाली है। यहाँ एक तरफ मटर पनीर की सब्जी बन रही है और यहाँ मेरा हलवा भी पूरा अच्छे से तैयार हो गया है, जिसको मैंने गार्निश भी कर दिया है। अब दोनों चीज़ें साथ साथ तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम पूरियाँ तल लेंगे। और मैंने शुरू कर दी हैं पूरियां उतारना। गरम गरम पूरियां, फूली फूली पूरियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं। पूरियों का काम भी थोड़ा लंबा होता है, अच्छे से बनाया पूरी फूले ये बहुत बड़ी बात है। अगर पूरियां नहीं फूलती तो मूड भी ख़राब हो जाता है, उसके अंदर तेल भी चला जाता है जो ना तो खाने में स्वाद लगता है और वैसे भी पूरा सारा टेस्ट बिगाड़ देता है। मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरी पूरियाँ ना फूटें, अच्छे से फूलें, ताकि उनमें तेल भी ना जाए और वो अच्छे से फूली फूली बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी, तो खाने में सभी लोगों को अच्छी भी लगती हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी गणेश को पूजन के समय हलवा पूरी का ही भोग लगाया जाता है, तो पूजन से पहले मैं तो पूरियाँ और हलवा तैयार कर लेती हूँ ताकि भोग लगाया जा सके और पूजन करने के बाद टाइम से तैयार हुआ खाना खाया जा सके, ताकि अच्छे से दिवाली को एंजॉय किया जाए।